हेलो, वेलकम बैक बेस इंफ्रा फैमिली। स्वागत है एक और प्रॉपर्टी पे चर्चा के एपिसोड पे। ये सीरीज हम लेके आते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं रियल एस्टेट से संबंधित कुछ भी। अगर आपके जानने में या आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है जो एलडी रेरा बैंक अप्रूव है और किसी बड़े डेवलपर के यहाँ से है, तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हम अपने बायर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकते हैं। या आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं लखनऊ में, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो भी आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। प्लीज थोड़ी सी आवाज और तबीयत गड़बड़ हुए तो उसको इग्नोर करिएगा। पहला सवाल लेते हैं मिस्टर फैजल जी का, जिनका क्वेश्चन है 2 BHK फ्लैट इन 40-42 लाख लखनऊ में कौन कौन से एरिया में मिल सकता है। सर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 40-42 लाख रुपए एक रफ लमसम बेसिक कॉस्ट या एक ओवरऑल कॉस्ट की तरीके से इसको नहीं पकड़ा है। इसमें ट्रांसफर चार्जेस या रजिस्ट्री चार्जेस अलग से हो सकते हैं, तो मैं एक रेंज 40-45 लाख रुपीस रैंडम पे बात कर रहा हूँ, जिसपे मैं आपको कुछ ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। इन सबके वीडियोज ऊपर दिए हुए हैं, मैं आई बटन में टैग कर दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, आपके लिए फैजाबाद रोड पर 2 ऑप्शन अच्छे मुझे दिखते हैं। एक लोटस कोर्ट अगर आपके पास पोजीशन में टाइम है तो, वरना शालीमार मन्नत का फेज 1 रीसेल या शालीमार मन्नत एक्सटेंशन। इसके बाद दूसरे रोड पे आ जाते हैं, सुल्तानपुर रोड पे आपके पास एक्सेला और साहू का ऑप्शन आ जाता है इस बजट रेंज में। अगर हम गोमती नगर या शहीद पथ पे लगे हुए एरिया में बात करते हैं, तो अंसल में कुछ रीसेल अपॉर्चुनिटी सृष्टि वगैरह में वो देखी जा सकती है। अगर गोमती नगर एक्सटेंशन अमेठी में लाहौर के पास एक आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 50 की रेंज में आपको एस्पायर भी मिल जाएगा। ई स्क्वायर होम्स का एक नया प्रोजेक्ट है, वो भी आपको मिल जाएगा वहां पर। प्लस एल्डिको सौभाग्य के बगल में सूरत रेसिडेंसी है, जो कि एलडी रेरा बैंक अप्रूव है, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन, ई स्क्वायर, सूरत रेसिडेंसी और अंसल में रीसेल के ऑप्शन या ओमैक्स में रीसेल के ऑप्शन आपके इस बजट में आ जाते हैं। अगर आप सीतापुर रोड पर देख रहे हैं, तो वहां पर ओरो एलिमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन है, जो अगले साल भर के अंदर पोजीशन में मिल जाएगा आपको। प्लस एल्डिको ड्रीम में रीसेल की अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर उज्जवल शर्मा जी का, जिन्होंने कहा है कि सर प्रॉपर्टी का बजट कैसे प्लान करें। सर मेरे पास एक रैंडम मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता, एक कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से शायद मैं जब इन्वेस्टमेंट करने जाता हूं प्रॉपर्टी में तो वो कैलकुलेशन समझता हूं। 2-3 मेजर फैक्टर होते हैं सर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले। पहला फैक्टर होता है आपकी सैलरी और ईएमआई लोड जो आप बेयर कर सकते हैं। सपोजिटिवली आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको मैक्सिमम ईएमआई का जो लोड ले सकते हो आप एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वो 25,000 का ले सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल अदर ईएमआईज दैट करंटली इज गोइंग ऑन इन दिस सैलरी ब्रैकेट। तो मान लेते हैं कि आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं चल रही है, आप का 50,000 रुपए सैलरी है, तो 25,000 रुपए आप ईएमआई दे सकते हो, लमसम लोन अमाउंट 30,00,000 रुपए ले सकते हो, प्लस आपकी सेविंग्स। तो अगर मान लीजिए 30,00,000 रुपए प्लस आपकी 10,00,000 रुपए सेविंग्स है, तो 40,00,000 रुपए तक का आप प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। ये एक सही तरीका होगा प्रॉपर्टी प्लान करने का सर। बाकी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आगे भी कवर करना चाहेंगे, या अगर अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर देंगे। इसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन है हमारा पंकज त्रिपाठी जी का, इफ आई हैव होम एंड प्लॉट इन लखनऊ स्टिल कैन आई अप्लाई फॉर आवास विकास प्लॉट। सर बिल्कुल कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसा कोई रेगुलेशन है जिसमें उन्होंने कंडीशन ये रखी हुई है कि फर्स्ट होम बायर हैं आप, तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो वो एडवांटेज के अलावा अगर मेरी समझ से ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप घर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज उस बेसिस पे स्कीम टू स्कीम की जा सकती है, बट कोई कंडीशनल ऐसा नहीं है। और आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो नए जेल रोड पर कुछ प्लॉट की टाउनशिप आने वाली है आवास विकास की, उसके संबंध में बात कर रहे हैं, उसके संबंध में अगर आप कुछ और फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं तो भी ऊपर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें निक्की सिंह जी ने पूछा है कि माई वन बिल्डिंग या ट्रेडिशनल बिल्डिंग, विच वन इज बेटर।
सर आपका क्वेश्चन जो है वो शायद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को रिलेटेड है। माइवान, एलूफोम, टनल, आरसीसी, ये अलग अलग नाम है जिनसे जिनको आप बुलाते हैं कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि एक आपका फर्मा बनता है, उसमें डायरेक्ट कंक्रीट डाल दिया जाता है और स्टील और कंक्रीट के बेसिस पे उसमें पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल है जिसमें कॉलम बीम्स होती हैं और ब्रिक के मेथड से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो दोनों ही अपने अपने जगह सर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि आपने माइवान शटरिंग के बारे में पूछा है तो मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स आपसे यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज सर प्रोज की बात कर ले तो जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि स्टील और आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है तो वो कंपैरेटिवली बेटर होती है, और अगर लॉन्ग लाइफ कहेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। क्रैक इसमें कम आने के ऑप्शन होते हैं, अनइवननेस या खचके या वेस्ट एरियाज जो जनरली निकलते हैं ड्राइंग में वो आने के कम होते हैं। टाइम इसमें जल्दी जो है आप इसको स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज क्विकर देन नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वेस्ट एरिया मैंने बता दिया आपको, तो बेटर कारपेट एरिया भी एक तरीके से, अगर आप वेस्ट एरिया या खचका नहीं होता तो आपका बेटर कारपेट एरिया भी कवर रहता है। कंस्ट्रेंट की अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि स्टील का फ्रेम होता है और अगर बहुत प्रीमियम बिल्डर नहीं है, एक एयर पैसेज का गैप उन्होंने नहीं उसमें प्रोविजन दिया हुआ है, तो हीटनेस का इश्यू आएगा आपको 110%। उससे भी बड़ा जो मेजर एक मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बाइंग में आप कुछ ऐसी चीज देख रहे थे, मान लीजिए एक क्लोज किचन है और आप चाहते हैं कि वो ओपन हो जाए, तो ये प्रोविजन माइवान शटरिंग में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ऑल्टरेशंस आप नहीं करा सकते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल फॉर्म में आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको मान लीजिए ओपन करना है, क्लोज करना है, और क्योंकि जनरल ऐसा है कि हम अपने घर में कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो वहां पर इन तरीके की जो है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जब आप इस पे बनाते हैं कॉलम बीम्स में बनाते हैं तो लोड उन पे आता है, ब्रिक्स एक लोड बेयरिंग होती है उनकी बट बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट इसमें क्योंकि पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर होता है और लोड बेयरिंग इन वॉल्स पे भी होती है, रिटेनिंग वॉल्स पे भी होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें हो ही नहीं सकते। तो जब तक कि अगर आप माइवान शटरिंग का कोई प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं तो जब तक कि उसका लेआउट आप 100% सेटिस्फैक्ट्री मत होइएगा तो एक बार उसको कंसिडरेशन में या ना लेने का भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर लग्जूरियस विला चाहिए, रेडी टू मूव हो, बजट नो इश्यूज, प्लीज शेयर सम ऑप्शन। सर अगर बजट ऑप्शन नहीं है और रेडी टू मूव ही चाहिए, लग्जूरियस चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बजट भी बहुत अच्छा होगा, तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं सर। शालीमार गार्डन बे और एल्डिगो रिगालिया, एल्डिगो सिटी के विला सीतापुर रोड पे, फैजाबाद रोड पे सर डीवीडी लोटस एनक्लेव फेज वन जो अभी पोजिशन में आने वाला है। लग्जूरियस तो बहुत नहीं कहूंगा बट हाँ 80-90 लाख रुपीज के ब्रैकेट में 1000-1200 के विला बने हुए हैं, बट लग्जूरियस वो इस टर्म में जरूर है कि जिस तरीके की लोकेलिटी है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और उसी रोड पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है शालीमार पैराडाइज का, तो ये दो ऑप्शन हो गए आपके फैजाबाद रोड पर। अगर आपके पास क्योंकि आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि रेडी टू मूव ही चाहिए, तो अंसल में भी आप पाम विलास या रिशिता के जो मलबरी विलास थे उनके रीसेल के ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये सारे आपके पास रीसेल लग्जरी विलास के ऑप्शन थे। मेरे पास भी एक करीबन 2500-3000 स्क्वायर फीट का 2.25 करोड़ के आसपास का एक विला है जो हमारे बायर बेचना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो हम आपको उनको कनेक्ट करा सकते हैं। प्लस एक बायर है जिनका पास शालीमार पैराडाइज में भी विला है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको कनेक्ट कराया जा सकता है उनसे। इसके बाद लेते हैं अपना अगला सवाल जो कि है कि सर मैं बैंक एम्प्लॉय हूं, मेरे लिए रेडी टू मूव देख रहा हूं बट कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली इशू आ जा रहे हैं। तो राज सर मेरे को लगता है कि मैं शायद आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। आप क्योंकि बैंक एम्प्लॉय होंगे, एक जनरल ट्रेंड होता है बैंक एम्प्लॉयज में कि वो 90% ऑफ दी प्रॉपर्टी लोन उनको जनरली मिल जाता है, तो वो उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं। अब अगर एक कैलकुलेशन पे मैं आपको कैलकुलेशन से समझाना चाहूं तो अगर 50 लाख रुपए का आपको घर लेना है, इसमें दो मेजर इश्यूज आते हैं इनफैक्ट कि आपको क्यों रेडी टू मूव में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं आप ले पा रहे होंगे तो, और उसको कैसे आप प्लान कर सकते हैं बेटर, तो उसमें दो तीन इश्यू मेजर मेजर आ जाते होंगे आपके पास।
पहला इशू ये आ जाता होगा कि क्योंकि आप बैंक एम्प्लॉई हैं तो आप 90% लोन चाहते होंगे, जिसके सबसे बड़ा जो जो एक तरीके से कहेंगे हिंड्रेंस है वो ये है कि जो बैंक्स होती हैं वो जनरली अग्रीमेंट वैल्यू पर नहीं बट बिल्डर वैल्यू पर फ्लैट या विला या प्लॉट को कंसिडर करती हैं। मतलब अगर जिस बायर से आप खरीद रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बसती ही नहीं है, रेडी टू मूव होने तक इन्वेंट्री बसती ही नहीं है, तो पहले ही सेल आउट हो जाती है, इन्वेस्टर्स पहले आ जाते हैं उसमें, तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री क्योंकि नहीं बसती है, तो आपके पास ऑप्शन अगर रेडी टू मूव में है तो मैक्सिमम रीसेल का होगा। रीसेल का होगा तो उसमें दो बड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ एक एप्रिसिएशन का अमाउंट होता है सर जो आपको पेमेंट करना है, एक वो हिंड्रेंस होता होगा। दूसरा हिंड्रेंस ये होता होगा कि आपका जो बैंक है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को कंसिडर करता है। मेरी समझ से सर आपका अगर सेल्फ बैकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है तो समय वेस्ट ना करते हुए किसी नए प्रोजेक्ट में आपको एंटर करना चाहिए, और जब वो आप एंटर कर लेंगे तभी आपको शायद मनपसंद यूनिट भी मिल पाए, मनपसंद फ्लैट भी मिल जाए। अगर बजट का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो मार्जिन मनी का इशू नहीं है सर, फिर तो आप जो है हमें कनेक्ट कर लीजिए, हम आपके पास कुछ अच्छे रीसेल के ऑप्शन जैसे कि एल्डिको रिगालिया में या एल्डिको इम्पीरिया जो अभी लॉन्च हुआ है बट उसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो मान लीजिए 1.5-2 साल का आपके पास समय है तो एक वो ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप फैजाबाद रोड पे हैं तो उसमें रीसेल के ऑप्शन कनेक्ट कर सकते हैं, बट शर्त यही है सर कि वो मार्जिन मनी होना चाहिए आपके पास, और अगर नहीं है सर तो यकीन मानिए बहुत ही कम डील्स आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आंसर किए हैं। आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा जिनको भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है। हम कोशिश करते रहेंगे कि कॉन्स्टेंटली आपके लिए नॉलेजेबल इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेते हैं, हम कुछ नई अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं जल्दी आपके बीच में। तो ये था आज का प्रॉपर्टी पे चर्चा का एपिसोड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टी से ही दिलाएंगे। धन्यवाद।